हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत महसूस हो रही थी। घर में एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ हम बैठकर मेडिटेट कर सकें और हमें एक अलग सी शांति महसूस हो। इसीलिए मैंने सोचा कि घर में क्यों ना एक जेन कॉर्नर बनाना चाहिए। ये मेरे घर के ड्राॅइंग रूम के टीवी कैबिनेट का एक कोना है। यह एरिया हमारे घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने है। यहाँ जेन कॉर्नर बनाने का रीज़न ये भी था कि जब भी कोई हमारे घर में एंटर करे, इस कॉर्नर को देखते ही वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेकर आए। इस कॉर्नर को बनाने के लिए मैंने बस बुद्धा जी की मूर्ति ही मार्केट से ली है, जो मुझे 650 रुपीज़ की पड़ी। बाकी टी लाइट, कैंडल स्टैंड, फ्लावर वास और स्टोन पेंटिंग सब कुछ मैंने ही की है। वैसे भी दिवाली आने वाली है और अपने घर को सजाना सबको अच्छा लगता है। ये मैंने भी कुछ छोटे छोटे बदलाव किए हैं अपने घर में, जिसको आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ फ्लावर वास मैंने कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड का एक रोल लिया और ये कुछ प्लास्टिक की स्पून्स ली हैं। अब मैं इन प्लास्टिक के स्पून्स को इस तरह से कट कर लूँगी। एक शेप में नहीं काटूंगी, अलग अलग शेप में काटूंगी, क्योंकि इससे मोज़ेक का लुक आएगा हमारे फ्लावर पॉट पर। अब मैंने कुछ ये वॉल पुट्टी पाउडर लिया है, उसमें थोड़ा फेविकॉल मिलाया और पानी मिलाया और एक पेस्ट जैसा बना लिया है। मैं आपको अपने वीडियो में अलग अलग तरह से टेक्सचर पेस्ट बनाना बताती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि टेक्सचर पेस्ट हम वॉल पुट्टी पाउडर, सिरामिक पाउडर, मार्बल पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी से भी बना सकते हैं। अब इस टेक्सचर पेस्ट को हम इस कार्डबोर्ड के रोल के ऊपर प्रॉपरली स्प्रेड कर देंगे। मैं एक आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। अब हमने जो प्लास्टिक के स्पून से मोज़ेक के शेप्स काटे थे, वो मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। ये मुझे कार्डबोर्ड के रोल के सिर्फ 1/3 एरिया में करना है। हम इसको इवनली नहीं लगाएंगे, कहीं किसी शेप को लगाएंगे, कहीं किसी शेप के कटआउट को लगाएंगे, ताकि दिखने में इसका लुक ऐसा आए। अब मैं बाकी के पोर्शन पर जो मैंने वॉल पुट्टी पाउडर से पेस्ट बनाया था वो लगा दूंगी। अब मैंने एक शार्प टूल लिया है और उसकी हेल्प से मैं इस तरह से टेक्सचर दूंगी। यह सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने सैंड पेपर लिया है और सैंड पेपर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से घिस दूंगी। अब यह जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे हम कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लगाएंगे, ताकि ये नीचे की तरफ से पैक हो जाए। ये मैंने फेविकॉल लगाया है और अब मैं उस कार्डबोर्ड के सर्कल को यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। अब मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है और इससे मैं पूरे वास को कवर कर दूंगी। यह सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मेटालिक गोल्डन अपने हाथों में लिया है और इसको मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इस वास के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। और ये हमारा फ्लावर वास बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपके साथ दिया स्टैंड या टी लाइट कैंडल होल्डर बनाने का प्रोसीजर शेयर करती हूँ। ये मैंने कुछ लीफ से पेपर पे काटे हैं और इन शेप्स को अब मैं एक कार्डबोर्ड पर कट कर लूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब मैंने कुछ ब्रूम के स्टिक्स लिए हैं, आप बैम्बू स्टिक्स भी ले सकते हैं। अब इनको मैं लीफ के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर दूँगी। मेरे पास खाली पेंट के बॉटल्स के कुछ कैप पड़े थे, मैंने उनको लिया है। ये हमारे कैंडल के लिए स्टैंड का काम करेंगे। इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से इस तरह लीव्स पर स्टिक कर दूंगी। ये मैंने मास्किंग टेप ली है, मास्किंग टेप को मैं ब्रूम स्टिक के ऊपर इस तरह से रैप कर दूंगी, इससे ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
अब हमारे जो लीफ के एजेस हैं उन पर भी मैं मास्किंग टेप स्टिक कर दूंगी। मास्किंग टेप लगाने से इसके एजेस इवन हो जाएंगे। अब जो मैंने वॉल पुट्टी पेस्ट बनाया था उसको भी हम इस लीफ के ऊपर इस तरह लगा देंगे। हम पूरी लीफ पर ये पेस्ट प्रॉपरली स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हम अपने हाँ टेक्सचर देंगे उसको। लीफ के बैक पर भी हम ये टेक्सचर पेस्ट लगा देंगे। अब मैंने इस तरह की ये प्लास्टिक की बॉटल ली है, इनका मैं ऊपर का पोर्शन कट करूँगी। ये कट होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे और मैंने इनके ऊपर होल कर लिया है। अब मैं एक कार्डबोर्ड का राउंड काटूंगी और इन बॉटल के कैप्स का बेस बनाऊंगी। मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको इस तरह से स्टिक कर दिया है कार्डबोर्ड से। अब इन बॉटल्स के अंदर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी का एक पेस्ट डालूंगी। मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया है और एक ये पेस्ट बनाया है। इसको डालने से हमारी बॉटल थोड़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी बन जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी। अब मैंने ये जो लीफ बनाई थी, जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर डालकर हम इसको रख देंगे ताकि ये प्रॉपरली होल्ड कर ले। अब मैंने ये जो स्टिक है इसके ऊपर फॉइल पेपर रैप किया है ताकि ये और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। इस तरह से मैंने दोनों कैंडल लाइट होल्डर पे कर लिया है। मैंने अब सैंड पेपर लिया है, सैंड पेपर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाऊंगी। और मैंने ग्लू गन ली है, ग्लू गन की हेल्प से मैं लीफ का टेक्सचर बना रही हूँ। और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने एयर ड्राई क्ले ली है, एयर ड्राई क्ले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि इसका ये जो हैंडल है वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। एयर ड्राई क्ले को लगाने के लिए मैं फेविकॉल की हेल्प ले रही हूँ। इस तरह हमने एयर ड्राई क्ले इन स्टैंड्स के ऊपर लगा दी है। अब मैंने थोड़ा सा वॉल पुट्टी पेस्ट ये नीचे वाले स्टैंड पर भी लगाया है। इसको प्रॉपरली हम इस तरह से यहाँ लगा देंगे ताकि वो बॉटल पूरी तरह से कवर हो जाए। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने दोनों स्टैंड्स पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट किया है। अब मैंने मेटालिक गोल्डन कलर लिया है और इस तरह से मैं पूरे टी लाइट कैंडल होल्डर पर ये कलर कर दूंगी। अब हम स्टोन पेंटिंग शुरू करते हैं। मैंने एक स्टोन लिया है जिस पर लाइट ब्लू कलर पेंट कर दिया है। मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इसमें कुछ ऐसे बाउंड्री बना रही हूँ। इसके बाद व्हाइट एक्रिलिक पेंट से मैंने इसके ऊपर कुछ फ्लावर और लीफ का पैटर्न बनाया है। मैं इसके ऊपर कुछ कोटेशन लिखूंगी ब्लैक एक्रिलिक पेंट और ब्रश की हेल्प से। मैंने थोड़े से व्हाइट कलर के डॉट्स भी लगा दिए हैं स्टोन पर। इस तरह मैंने ऑरेंज कलर का एक स्टोन पेंट किया है जिस पर स्माइल लिखा है, एक और येलो किया है जिस पर फेथ लिखा है। ये तीनों स्टोन्स हम अपने बुद्धा जी के पास रखेंगे। चलिए अब हम अपना ज़ेन कॉर्नर बनाते हैं और सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से बड़ा वाला टी लाइट कैंडल होल्डर लगा दिया है और उसके आगे छोटा वाला टी लाइट कैंडल होल्डर लगाया है। इसके बाद अब मैं ये फ्लावर वास रखूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़े से बैम्बू प्लांट्स रखे हैं। मैंने पहले ही इसके अंदर सॉइल फिल कर दी थी और ये थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब मैंने अपना बुद्धा जी रख दिया है, उनके सामने मैंने वो जो तीनों स्टोन्स बनाए थे वो प्लेस कर दूंगी। एक तरफ मैंने ब्लू स्टोन रखा है, दूसरी तरफ येलो और मिडल में ऑरेंज। अब ये थोड़े बहुत स्टोन्स मेरे पास थे जिनको मैं ऐसे ही आसपास रख दूंगी।
अब मैंने दो छोटी बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स ली हैं, जिनको मैं अपने कैंडल स्टैंड के ऊपर रख दूँगी। इस तरह हमारा जेन कॉर्नर का पूरा लुक बनकर तैयार हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद उसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे क्लिक कीजिए ताकि कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे मोटिवेट करते हैं। इससे मैं अपने अगले वीडियो के लिए नए नए आइडिया सोच पाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।